हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सीए कार्तिक जोशी और आज हम बात करने वाले हैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर द फाइनेंशियल 21-22। नया साल स्टार्ट हो चुका है और सब लोग अपने अपने टैक्स बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर चाहे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जैसे कोई पीपीएफ में इन्वेस्ट करता है, कोई सुकन्या समृद्धि में, कोई एनएससी ले लेता है, कोई बैंक की एफडी करता है, कोई एनपीएस के ऑप्शंस करता है और लास्ट में मैंने अलग से बताया हुआ ईएलएसएस, तो कोई ईएलएसएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। अभी आज का वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि हर ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इन डिटेल शेयर की हुई है। स्टार्ट करते हैं। अगर पीपीएफ देखे तो पीपीएफ मिला है हमें इनहेरिटेज फ्रॉम द फादर। किस तरह से, जैसे ही हम कोई बिजनेस या जॉब स्टार्ट करते हैं तो हमारे फोर फादर्स, अंकल आंटी या तो मम्मी है पापा है, हमें क्या कहेंगे, पीपीएफ में अकाउंट खोल दो बेटा और एज यूजल इन्वेस्टमेंट करना है तो अकाउंट खोल दिए। चलो अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। लॉक इन पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, तो मतलब एक बार आपने अकाउंट खोला 15 साल के लिए आप ब्लॉक, 15 साल तक आपको अकाउंट चलाना है, आपको हर साल कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना है। हाँ, अगर आपने 15 साल चला लिया और आप वहाँ खुश हो तो आप फर्दर उसको एक्सटेंड कर सकते हो 5 ईयर्स के लिए, 1-2 साल के लिए नहीं। उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, उसका इंटरेस्ट रेट है 7.1% एज ऑन डेट। ये स्टार्ट हुआ था अराउंड 12% से, जो घट घट के आज 7.1 हुआ है, पता नहीं फ्यूचर में ये कहाँ जाके पहुंचेगा। हाँ, पर उसका सबसे बड़ा फायदा है, चलो 7.1 ही सही, पर वो इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, तो मतलब आपको उस पर टैक्स नहीं देना है। आप पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आइदर मंथली डिपॉजिट कर सकते हो उसमें, आप साल में 2 बार 4 बार जाके भी कर सकते हो, आप लमसम एक साथ में भी जाके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। 500 रुपया इन्वेस्ट करना होता है मिनिमम और मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करो, कोई इशू नहीं है। पार्सल विड्रॉल अलाउड है आफ्टर 7 ईयर्स, तो अगर आप पीपीएफ से पैसा विड्रॉ करना है तो आप आफ्टर 7 ईयर्स पार्सली विड्रॉ कर सकते हो। अगर हम हिस्ट्री ऑफ रिटर्न्स पीपीएफ में इंटरेस्ट की हिस्ट्री देखें तो वो किस तरह से आई, तो अगर हम देखेंगे यहाँ 1986 से 1999 तक अगर पीपीएफ का इंटरेस्ट था तो 12%, तो जिस तरह से मैंने बताया हमारे फोर फादर्स उन्होंने हमें बताया, क्यों, क्योंकि 12% था और तब अगर इन्फ्लेशन देखे जाए तो क्या था, 1 या 2%, तो वी वर अर्निंग गुड इनफ। पर आज का इन्फ्लेशन क्या है, 5%, 6%, 8% तक इन्फ्लेशन जाता है और उसके सामने हमें पीपीएफ क्या दे रहे हैं, 7.1% दे रहे हैं, फिर चाहे वो इंटरेस्ट फ्री हो या टैक्स फ्री हो, पर What we are growing at 7.1%, उसके सामने inflation हमें मार रहा है around 7-8%, तो we are earning nothing। आगे बढ़ते हैं। सुकन्या समृद्धि, सुकन्या समृद्धि बेसिकली इट्स फॉर गर्ल चाइल्ड, अगर आपके घर पे डॉटर बॉर्न होती है तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू अकाउंट ओपन कर सकते हो, मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट कैन बी ओपन अप टू द एज ऑफ 10 ईयर्स, मतलब अगर आपकी डॉटर 10 साल के नीचे तक है तब तक आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, जैसे ही वो 11 साल की होगी आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो। पर हाँ, इसका अकाउंट जैसे पीपीएफ में 15 ईयर्स था, ये भी 21 ईयर्स के लिए लॉक इन है, तो 21 साल तक आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। और मैरिज विच एवर इज अर्ली है, तो आप या तो 21 साल तक पैसा कंटिन्यू करो या डॉटर के मैरिज होंगे तब आप पैसा पार्शियली विड्रॉ कर सकोगे। इंटरेस्ट एंड टैक्स फ्री है, चलो गुड इनफ, अगर आप 7.6% का इंटरेस्ट है और जो भी अर्न होगा वो टैक्स फ्री होगा। कंटिन्यू करते हैं आगे इसमें और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो सुकन्या समृद्धि के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 250 रुपया है, आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। पार्सल विड्रॉल अलाउड है कब, अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 ईयर्स जब आपकी डॉटर 18 ईयर्स की होगी तब आप विड्रॉ कर सकते हो फॉर हायर एजुकेशन। हाँ, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन्वेस्टमेंट जो करना है वो आपको अप टू द एज ऑफ 15, मतलब आपकी गर्ल चाइल्ड जब तक 15 ईयर्स की एज होगी तब तक ही इन्वेस्ट करना है, उसके बाद नहीं। से फॉर एग्जांपल आपकी गर्ल चाइल्ड आज 9 या 10 साल की है, आपने अकाउंट ओपन कर दिया, देन यू हैव द टाइम पीरियड फॉर इन्वेस्टमेंट ओनली अप टू 5 ईयर्स, मतलब 15 ईयर्स तक है, 15 ईयर्स की एज होगी तब तक तो 10 से 15 5 साल तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप सुकन्या समृद्धि का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो तो प्लान करो कि जिसके गर्ल चाइल्ड आज 2 साल 5 साल की हो तब तक आप इन्वेस्ट करो, तो इसको एक लॉन्ग ड्यूरेशन मिलेगा, तब ये पैसा अच्छे से ग्रो हो सकता है एट द रेट ऑफ 7.6% जो आज है। इसकी भी हिस्ट्री देखते हैं क्या हुई है रिटर्न की। 2014 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी 9.1% से, 2015 में 9.2% किया गया और आज घटके हुआ ये 7.6%, तो 6 साल के ड्यूरेशन के अंदर 1.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी घट चुका है। तो जैसे आज बताता हूँ, आज का भी इन्फ्लेशन अराउंड 5-7% के बीच में फ्लो हो रहा है और आप रिटर्न कितना कमा रहे हो, 7.6%, तो होप आप समझोगे कि आप क्या कमा रहे हो उसके अंदर। एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, हाँ इसको भी हम कह सकते हैं, ये भी हमें फादर से मिला हुआ है। इन्वेस्टमेंट कैन बी डन एट द पोस्ट ऑफिस, हाँ एनएससी का सबसे बड़ा फायदा है कि ये पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट होता था, जिस तरह से पहले बैंक नहीं होती थी गांव के अंदर पर पोस्ट ऑफिस हर जगह होती थी, तो लोग इसको पोस्ट ऑफिस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन बनाया था एनएससी। इसका इंटरेस्ट रेट है 6.8%, लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स, पीपीएफ में 15 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो गया,
सुकन्या समृद्धि के अंदर 21 ईयर्स, पार्सल विड्रॉल 18 ईयर्स में अलाउड है, और अगर एनएससी देखे तो एनएससी 5 ईयर्स के लिए है। हाँ, एनएससी का सबसे बड़ा फायदा क्या है, एनएससी कैन बी केप्ट एज कोलेटरल फॉर लोन्स। अगर आप आपके पास अपने एनएससी परचेस की हुई है और आपको इमरजेंसी में अगर फंड की जरूरत पड़ गई तो आप बैंक जा सकते हो, एनएससी को अपने गिरवी रख के आपको लोन मिल सकती है, पर्टिकुलर परसेंटेज आपको बैंक लोन दे देगा आपके एनएससी के ऊपर। एनएससी का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो हर साल री इन्वेस्ट होता है। री इन्वेस्ट मतलब आपका ये फर्स्ट ईयर ऑफ एनएससी में आपने जो इंटरेस्ट एक्स अमाउंट अर्न किया तो वो री इन्वेस्ट हो जाएगा, पर हाँ इसका जो इंटरेस्ट अर्न होगा दैट इज मैच्योरिटी अमाउंट इंटरेस्ट, जो फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट होगा वो फिर से इन्वेस्ट नहीं होता, तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल हो जाता है। तो अब जो फाइनल ईयर में इंटरेस्ट कमाओगे, जो अर्न करोगे, वो आप उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एनएससी के अंदर 1000 रुपीज है। हिस्ट्री ऑफ रिटर्न्स एनएससी के देखते हैं, इसके मैंने 5 ईयर्स का कवर किया है, ये 8.10 से स्टार्ट हुआ था, इसके आगे का इसका इंटरेस्ट रेट भी अच्छा था, 10% प्लस था, जो घट के आज 7% पे आ चुका है, और अभी प्रेजेंटली इसका देखो तो 6.8% है। तो जिस तरह से मैंने आगे भी ये कहा था, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा, ये इन्फ्लेशन के साथ साथ चल रहा है। तो यू आर अर्निंग नथिंग नॉर यू आर लूजिंग। फिक्स डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स उसकी अपनी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखते हैं। ओनली लमसम इन्वेस्टमेंट इज अलाउड। तो पहले तो फिक्स डिपॉजिट के अंदर आप आरडी 5 ईयर्स की कर नहीं सकते, आपको अगर फिक्स डिपॉजिट करना है, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट दैट इज टू बी फॉर 5 ईयर्स, तो आपको एक साथ पैसा इन्वेस्ट करना होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में है 5 to 5.5%। तो अगर उसका इंटरेस्ट रेट आप स्टडी करोगे तो दैट इज अराउंड 5 to 5%, बैंक वाइज डिफर करेगा, पर एवरेज 5 to 5% के बीच में आएगा। पर हाँ, जो आप 5 to 5.5% का इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो ना, उस पर भी आपको टैक्स देना है, तो द इंटरेस्ट अर्नड इज टैक्सेबल। तो एक तो आप 5 to 5.5% अर्न कर रहे हो, उसके ऊपर भी आप टैक्स दे रहे हो, तो आपने हाथ में आया क्या, 3% या 3 to 5%, तो नॉट अ गुड ऑप्शन इन एनी वेज, और ऊपर से लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स, तो ये सही ऑप्शन नहीं है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन जरा भी वायबल नहीं होता आज के सिनेरियो में इन्वेस्टमेंट के लिए। एनपीएस जाते हैं, एनपीएस क्या है, एनपीएस एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित किया गया है। इनका रिटर्न क्या है, इसका रिटर्न है 8 to 10%। इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं, इसमें 50 to 75% आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इक्विटी में डाइवर्ट हो जाता है। मतलब आपने जो इन्वेस्ट, फॉर एग्जांपल आप 50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 50,000 में से आपका 50 to 75% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में चले जाता है। एडिशनल हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपको ETC के अंदर 1.5 लाख का बेनिफिट मिल रहा है। आप अगर एनपीएस में जाते हो तो आप एडिशनल 50,000 अंडर सेक्शन 80CCD के अंदर इसका फायदा उठा सकते हो, और 50,000 इन्वेस्ट करके तो आपका 1.5 लाख प्लस 50,000 2 लाख का आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। पर हाँ, आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। मिनिमम 40% ऑफ द कॉर्पस टू बी केप्ट आफ्टर द रिटायरमेंट फॉर रेगुलर मंथली पेंशन। तो जैसे हमने देखा कि पीपीएफ 15 साल के लिए लॉक इन था, सुकन्या समृद्धि 21 ईयर्स के लिए था, एनएससी था जो 5 ईयर्स के लिए था, एफडी 5 ईयर्स के लिए थी, एनपीएस अगर आपको 8 से 10% रिटर्न दे रहा है, तो आप अगर एनपीएस के लिए आकर्षित हो रहे हो कि एनपीएस अच्छा दे रहा है, तो समझो उसको कि आप आपकी एक तो ये आपको पैसा रखना है अप टू द एज ऑफ रिटायरमेंट। तो ये पैसा ना 15 साल या 10 साल के लिए नहीं, अप टू रिटायरमेंट मतलब आपको 60 साल तक ये पैसा आपको कंटिन्यू करना है, और 60 साल के ऊपर भी ये पैसा आपको पूरा नहीं मिलने वाला है, उस टाइम पे भी आप 60% ही विड्रॉ कर पाओगे, दैट विल बी अ टैक्स फ्री इनकम फॉर यू, पर 40% आपको वहां रखना है आपकी मंथली पेंशन के लिए। तो इन शॉर्ट, आपने एक बार ये अकाउंट खोल दिया तो आपको ये कंटिन्यू चलाना है मरते दम तक। मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपीज है, मैक्सिमम 50,000 रुपीज है। अभी आते हैं ईएलएसएस के ऊपर। अगर मैंने जिस तरह से मैंने देखा कि मैंने 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन एक साथ में रखे थे, उसके अलावा मैंने अलग से बताया था ईएलएसएस। तो ईएलएसएस के क्या प्लस और माइनस पॉइंट्स है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इज 65%। तो आप जब ईएलएसएस के अंदर इन्वेस्ट करते हो, पहली बात तो ईएलएसएस में कोई लिमिट नहीं है, आप 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हो। आप उसको 1.5 लाख तक तो है ही अपनी टैक्स सेविंग बेनिफिट्स पर, आप उसको 1.5 लाख से 2 लाख भी 2.5 लाख भी कर सकते हो, कोई उसमें लिमिट रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका लॉक इन पीरियड, इसका लॉक इन पीरियड है 3 ईयर्स। अगर आपने देखो पीपीएफ 15 ईयर्स के लिए था, एनपीएस था वो तो रिटायरमेंट के तक ही आपका पैसा ब्लॉक था, उसके बाद भी ब्लॉक है। उसके सामने अगर ईएलएसएस देखो तो उसका लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 ईयर्स है। टैक्सेबिलिटी तो देखे तो हम हमारा पीपीएफ नॉन टैक्सेबल था, हमारा एनएससी वो लास्ट इंटरेस्ट उसका टैक्सेबल था। ईएलएसएस जो है, ईएलएसएस के अंदर टैक्स है एट द रेट ऑफ 10% इफ इट क्रॉसेज 1 लाख रुपीज। से फॉर एग्जांपल आपने 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और 3 साल के बाद वो पैसा ग्रो होके आपके हाथ में जब रियलाइज हो रहा है, तो से फॉर एग्जांपल वो 2,40,000 रुपीज रियलाइज हो रहा है, तो व्हाट यू हैव अर्न, आपने इन्वेस्ट किया था 1.5 लाख रुपया, आपको रियलाइज हुआ 2,40,000, तो 90,000, तो आपको टैक्स नहीं लगा। क्यों? क्योंकि आपका 1 लाख से नीचे आपका कैपिटल गेन आ रहा है, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा।
से फॉर एग्जाम्पल आपका 2,60,000 रुपए आप अर्न करके 3 साल के बाद बाहर आ रहे हो, तो आपको कितना टैक्स भरना है 1 लाख क्रॉस करने के बाद, तो ऊपर के जो 10,000 आप कमा रहे हो 10,000 पे 10%, दैट इज 1,000 रुपीज आपको टैक्स भरना है। तो आई थिंक ये वायबिलिटी आप अगर स्टडी करो तो ये वायबिलिटी में आपको बैठता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए स्टार्ट करते हो, जैसे मैंने बताया मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ईएलएसएस के हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप मंथली डिपॉजिट कर सकते हो वाया एसआईपी, या तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो, एक साथ में आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके भी आप इनकम टैक्स में बेनिफिट ले सकते हो। ईएलएसएस की हिस्ट्री देखते हैं रिटर्न्स की, बहुत सारे फंड्स है, मैंने moneycontrol.com से लिए हुए हैं थोड़े बहुत फंड्स, पर ऐसे फंड्स की हिस्ट्री है। अगर आप कोई भी फंड्स इसमें से देख लो और उनके 3 इयर्स और 5 इयर्स का रिटर्न देख लो, आप एवरेज 12 से 15% के बीच में आप ग्रो कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, आपने 3 साल अगर ये पैसा रख लिया तो ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद फिर आपको कोई लॉक इन अप्लाई होने वाला है, फिर आप ये पैसा 3 साल के बाद आप उसको चौथे साल भी निकाल सकते हो, 5वें साल भी, या आपको फंड रखना है तो इट विल बी ग्रो एज पर द मार्केट, पर और मार्केट के हिसाब से ग्रो होता रहेगा। 5वें साल निकालो या 15 साल निकालो, उसमें लॉक इन कोई नहीं रहेगा। और आप फंड के हिसाब से देखे जाओ या तो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ के हिसाब से देखते हो, जो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आ रहा है उसके हिसाब से जो यहाँ ग्रोथ आ रहा है, दैट इज अ वायबल ऑप्शन। तो आप अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी है कि ये इक्विटी में इन्वेस्ट है, पर जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो ना तो इक्विटी भी आपको रिटर्न्स अच्छे देती है। तो आपका इन्वेस्टमेंट आप ध्यान से समझिए कि आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। इन्फ्लेशन इन इंडिया, मैंने ये लास्ट 1 साल का रेशियो लिया हुआ है, अप्रैल 20 से लेके अप्रैल 21 तक। तो अप्रैल 20 में ये 7.2% था, फिर ये राइज होके अक्टूबर में 7.61% तक हो चुका, और अप्रैल 20 में 21 में ये 5.52 है। तो एवरेज देखते हो, इन्फ्लेशन हमारा 5 से 6 एवरेज अगर देखने जाओ तो 5% से 6% के बीच में फ्लो हो रहा है, और उसके सामने अगर रिटर्न्स देखने जाओ, हम उसकी समरी स्टडी करते हैं क्या बताती है। समरी अगर देखने जाओ तो हमें पीपीएफ हमें 7.1% दे रहा है 15 इयर्स का लॉक इन करके, टैक्स ऑन रिटर्न्स नहीं है, अच्छी बात है। सुकन्या समृद्धि 7.6% दे रहा है आज की रेट में, जो कि एवरी क्वार्टरली या तो 6 मंथली रिव्यू होते हैं, 21 इयर्स का लॉक इन है, उसमें भी टैक्स नहीं है। एनएससी 8% दे रहा है एज ऑन डेट, 5 इयर्स का लॉक इन है, पर जो लास्ट इंटरेस्ट ऑन होगा उस पर आपको टैक्स लगेगा। एफडी 5 से 5.5 है करंट में, 5 इयर्स का लॉक इन है, टैक्स लास्ट इंटरेस्ट जो ऑन करोगे, लास्ट इंटरेस्ट मतलब जो इंटरेस्ट टोटली ऑन करोगे उसे पूरे टैक्स भरना है। एनपीएस है, एनपीएस 8 से 10% का रिटर्न दे रहा है, लॉक इन टिल रिटायरमेंट है, और विड्रॉवल 60% विड्रॉवल जो होगा उस पर आपको टैक्स नहीं लगना है, उसके बाद जो पैसा आएगा पेंशन के ऊपर 40% के ऊपर आपको टैक्स लगेगा एज अ पेंशन इनकम। इट कैन बी अ टैक्सेबल, इट कैन बी नॉन टैक्सेबल, डिपेंड ऑन द स्लैब, इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके सामने अगर ईएलएसएस देखने जाए तो ईएलएसएस क्या बता रहा है, 12 से 15% का रिटर्न दे रहा है, 3 इयर्स का ही लॉक इन है, और टैक्स क्या है पार्सल, जैसे मैंने आपको बताया 1 लाख अगर क्रॉस करोगे तो ही आपको टैक्स आना है। तो आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो समझ के प्लान कीजिए कि हमें पैसा पीपीएफ में डालना है, एनएससी में डालना है, या ईएलएसएस में डालना है, क्योंकि जो सिनेरियो से हम पास हो रहे हैं उस सिनेरियो में हमारा पैसा लॉक नहीं होना चाहिए, पैसा हमारा उस तरह से होना चाहिए कि वी कैन यूज द मनी एज एन वी वॉन्ट। तो अगर टैक्स भी बचाना है और पैसा को ग्रो भी करना है और पैसे हाथ में भी चाहिए, तो आई सजेस्ट गो फॉर ईएलएसएस। ईएलएसएस इज अ गुड ऑप्शन, क्यों, क्योंकि उसके रिटर्न्स भी अच्छे है और लॉक इन कम है। आज का ये वीडियो मेरे 4 या 5 पॉइंट्स का कवर, होप सो आपको ये अच्छा लगा हो, और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव आप जिस अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करना चाहते हो आप शेयर कीजिए, ताकि वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही से ले सके और टैक्स प्लानिंग कर सके। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।